देखिए, ये टेबल मैट जो है ये काफ़ी बड़ा है और बहुत इजी भी है और काफ़ी सुंदर भी लगता है, और मैंने इसे स्टेप बाय स्टेप बताया है और आप भी इसे ज़रूर बनाएं। और मैंने इसके लिए 3.25 mm की क्रोशे हुक का यूज़ किया है। सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे और एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और ये आठ चैन बनाई। आठ चैन बनाने के बाद आप देखिए, जो सबसे पहले चैन बनाई थी उसमें क्रोशियो को डालेंगे और स्लिप स्टिच से इसको जोड़ लेंगे इस तरह से। अब देखिए, एक, दो, तीन और ये चार चैन बनाएंगे। अब ये क्रोशियो में एक और ये दो बार धागा लपेटेंगे, इस रिंग के अंदर डालेंगे, एक बार, दो बार और ये तीन बार निकालेंगे ट्रिपल क्रोशे, एक और ये दो बार लपेटेंगे, रिंग के अंदर डालेंगे, एक बार, दो बार और ये तीन बार निकालेंगे, फिर एक और ये दो बार लपेटेंगे, रिंग के अंदर डालेंगे, एक बार, दो बार और ये तीन बार निकालेंगे इस तरह से। तीन बार निकालेंगे इस तरह से, टोटल हम 36 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। जो हमने फोर चैन बनाई है ये भी एक ट्रिपल क्रोशे काउंट करेंगे इस तरह से। 36 36 बनाएंगे। देखिए, इस तरह से हमने 36 36 ट्रिपल क्रोशे बना लिए। अब देखिए, जो हमने स्टार्टिंग में फोर चैन बनाई थी उसमें से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ वाली में क्रोशे को डालेंगे और स्लिप स्टिच से इसे जोड़ लेंगे इस तरह। अब नेक्स्ट राउंड के लिए देखिए, एक, दो, तीन, चार चैन बनाएंगे। चार चैन के बाद फिर एक, दो, तीन एक्स्ट्रा चैन और बनाएंगे। अपने क्रोशे हुक में धागे को दो बार लपेटेंगे, देखिए, फिर एक चैन यहाँ से स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाली चैन में क्रोशे हुक को डालेंगे और एक बार, दो बार और ये तीन बार इस तरह से ट्रिपल क्रोशे करेंगे। फिर एक, दो, तीन चैन बनाएंगे, एक और ये दो बार धागा लपेटेंगे, एक चैन स्किप करेंगे यहाँ से, नेक्स्ट वाली में क्रोशे हुक को डालेंगे और एक, दो और ये तीन बार इस तरह से निकालेंगे। फिर एक, दो और ये तीन चैन बनाई, दो बार लपेटा, फिर एक चैन यहाँ से स्किप करेंगे नेक्स्ट वाली चैन में, फिर एक, दो और ये तीन बार निकालेंगे इस तरह से ट्रिपल क्रोशे करेंगे। और इस तरह से ये एंड तक बनाते जाएंगे, तीन चैन है ट्रिपल क्रोशे इस तरह से। अब देखिए, इस तरह से बनाया। लास्ट में जो हमने स्टार्टिंग में चैन्स बनाई थी, एक, दो, तीन, चार, उसमें से फोर्थ वाली चैन में क्रोशियो को डालेंगे और स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे, तो ये इस तरह से बना। अब नेक्स्ट राउंड के लिए ये जो तीन चैन वाली जगह है इसमें क्रोशियो को डाला और ऐसे स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। तो हम इस वाले लूप में आ गए। तो अब देखिए, एक, दो, तीन, चार चैन बनाएंगे, एक और ये दो बार लपेटेंगे और इस तरह से एक, दो और ये तीन एक ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। हम इसमें ट्रिपल क्रोशे में काम करेंगे, फिर एक और ये दो बार लपेटेंगे, फिर से एक, दो और ये तीन बार निकालेंगे, तो एक, दो, तीन ट्रिपल क्रोशे हो गए। फिर एक और ये दो चैन बनाई, एक और दो बार लपेटेंगे, फिर ये नेक्स्ट वाले जो बॉक्स है, ये देखिए जो बॉक्स बने हुए हैं ना, ये वाले, इनमें डालेंगे क्रोशियो को और एक, दो, तीन बार निकालेंगे। नेक्स्ट सेम इसी वाले में तीन ट्रिपल क्रोशे करेंगे, एक, दो और ये तीन इस तरह से। फिर एक और ये दो चैन बनाएंगे,
फिर दो वाला पेटेंगे, नेक्स्ट बॉक्स में डालेंगे, दो वाला पेटा नेक्स्ट बॉक्स में डालेंगे, एक दो और ये तीन बार निकालेंगे, फिर इस तरह से एक दो तीन बार, फिर एक और ये दो बार लपेटेंगे, फिर नेक्स्ट बॉक्स में डालेंगे, एक दो और ये तीन बार, फिर एक और ये दो चैन बनाएंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे, ऐसे बॉक्स में डालेंगे, तीन ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे, दो चैन इस तरह से। देखिए इस तरह से बनाया, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये राउंड थर्ड है। अब इस राउंड थर्ड के एंड में देखिए इस तरह से बना, जो हमने स्टार्टिंग में चार चैन बनाई थी, एक दो तीन चार, उसमें से फोर्थ वाली चैन में क्रोशे को डालेंगे और स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। इस तरह से बन गया। अब राउंड फोर के लिए देखिए, ये जो नेक्स्ट वाली चैन है इसमें क्रोशे, हमें अपना क्रोशे यहाँ लाना है, तो इसे स्लिप स्टिच करेंगे और अगली वाली चैन में डालेंगे इस तरह, और स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। देखिए अब ये यहाँ पर लाएंगे, दो चैन वाला जो जगह है स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से, आ गया। अब यहाँ से देखिए राउंड फोर स्टार्ट करेंगे, एक दो तीन चार, चार चैने आ गई। अब देखिए एक और ये दो बार लपेटेंगे, इस वाले पैटर्न में हम ट्रिपल क्रोशे में काम कर रहे हैं, तो देखिए चार चैने बनाएंगे और इसी वाली जगह में एक दो तीन ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, और एक और ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से, तीन ट्रिपल क्रोशे बनाए, ये चार चैन भी एक ट्रिपल क्रोशे काउंट होती है, एक दो तीन चैन बनाई। अब नेक्स्ट देखिए एक और ये दो बार लपेटेंगे, अब ये जो दो चैन वाली जगह है, जो हमने ये दो दो चैने दो दो तीन ट्रिपल क्रोशे के बीच में दो दो चैन वाला गैप दिया था, तो उसमें क्रोशे को डालेंगे और इस तरह से एक दो तीन बार निकालेंगे, एक दो बार लपेटेंगे, एक दो तीन बार, फिर एक दो तीन बार इस तरह से, फिर एक और ये दो चैन इस तरह से बनाते जाएंगे, और तीन चैन, सॉरी तीन चैन बनाई। इस राउंड में हम तीन तीन चैन बनाएंगे और फिर ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे यहाँ पे इस तरह से, ये दो चैन वाली जगह पे। और तीन, एक दो तीन चैन बनाएंगे इस तरह से, ये अपना राउंड रिपीट करते जाएंगे एंड तक। देखिए इस तरह से ये राउंड बना, ये एक दो तीन चार, राउंड फोर, फोर के एंड में देखिए लास्ट में एक दो तीन चार, फोर्थ जो चैन है उसमें क्रोशे को डालेंगे और स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे इस तरह। अब हमें यहाँ पे अपना क्रोशे हुक लाना है, तो इसके लिए नेक्स्ट वाली चैन में स्लिप स्टिच करेंगे, इसके नेक्स्ट वाली में इस तरह से, अब ये यहाँ पे आ जाएगा, स्लिप स्टिच करें इस तरह से, फिर एक दो तीन और ये चार चैन बनाएंगे राउंड फाइव के लिए, फिर एक और ये दो बार लपेटेंगे, फिर एक दो और ये तीन बार निकालेंगे, और ये एक और ट्रिपल क्रोशे, एक दो तीन ट्रिपल क्रोशे, चार चैन भी एक ट्रिपल क्रोशे, फिर एक और ये दो चैन दो बार लपेटेंगे सेम इसी वाली जगह पे, इस तरह से फैन बनाएंगे तीन ट्रिपल क्रोशे को, एक दो और इस तरह से लपेटेंगे ये तीन, इस तरह से बनाएंगे। देखिए अब नेक्स्ट, फिर से ये जो तीन चैन वाली जगह है तीन ट्रिपल क्रोशे के बाद, इसमें ये वाला बॉक्स है इसमें डालेंगे, एक और ये दो बार लपेटेंगे इस वाले बॉक्स में डालेंगे, एक दो तीन, फिर तीन ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, ये दो और ये तीसरा ट्रिपल क्रोशे इस तरह। अब एक और ये दो चैन बनाई दोबारा से इसी जगह पर, एक
through, और ये तीन ट्रिबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर धागा लपेटेंगे। ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं तीन तीन चैनल के, तीन ट्रिपल क्रॉश के बाद इसमें इस तरह से तीन ट्रिपल क्रॉशे बनाएंगे, फिर दो चैन, फिर तीन ट्रिपल क्रॉशे, इस तरह से ये राउंड बनाते जाएंगे, देखिए एंड तक। देखिए इस तरह से बनेगा। अब लास्ट में देखिए, जो हमने एक दो तीन चार फोर्थ वाली चैन में क्रोशियो को डालेंगे और स्लिप स्टिच से इसे जोड़ लेंगे इस तरह से। अब देखिए हमें अपने क्रोशियो की यहाँ लाना है, तो नेक्स्ट वाली चैन में क्रोशियो को डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह। नेक्स्ट में स्लिप स्टिच करेंगे, अब ये यहाँ पर आ गए, स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। अब राउंड, नेक्स्ट राउंड के लिए, राउंड सिक्स के लिए देखिए, एक दो तीन इस तरह से, देखिए एक दो तीन चार पाँच, फाइव राउंड कंप्लीट हो गए। राउंड सिक्स के लिए देखिए, अब एक दो तीन चार, हम इसमें ट्रिपल क्रोशे में काम कर रहे हैं, एक दो बार लपेटेंगे और फिर क्रोशियो को डालेंगे इसी में, इसी वाली जगह में एक ट्रिपल क्रोशियो बनाएंगे, दो बार फिर लपेटेंगे, एक दो और एक तीन ट्रिपल क्रोशियो बनाए इस तरह से, फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात, सेवन चैन बनाई, सात, दो बार लपेटा क्रोशियो को। अब ये देखिए तीन ट्रिपल क्रोशियो, तीन ट्रिपल क्रोशे और तीन ट्रिपल क्रोशे के बीच में जो दो चैने बनाई थी ना, इस तरह से देखिए उनमें क्रोशियो को डालेंगे इस तरह से, एक दो और ये तीन, देखिए इस तरह से, फिर एक और बार लपेटेंगे, ये दो ट्रिपल क्रोशे हो गए, दोबारा देखिए दो बार लपेटा इस तरह से, सेकंड ट्रिपल क्रोशे और एक और ट्रिपल क्रोशे इसी में बनाएंगे, एक दो और ये तीन, तीन ट्रिपल क्रोशे इस तरह से बने, फिर सेवन चैन बनाएंगे, दो तीन चार पाँच छः सात चैन बनाई, दो बार लपेटेंगे। अब देखिए इसमें हम ये जो तीन ट्रिपल क्रोशे के बीच में दो चैन है, फिर तीन ट्रिपल क्रोशे उस वाले स्पेस में, देखिए इन वाले में, इनमें अपना पैटर्न बनाएंगे, तो एक और ये दो बार लपेटा, फिर से इसमें डाला और तीन ट्रिपल क्रोशे बनाए, और ये इस तरह से अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। तीन चार पाँच छ सात, तो ऐसे ये बनाते जाएंगे ये वाला राउंड, राउंड सिक्स। इस तरह से लास्ट में हम सेवन चैन की जगह फाइव चैन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच चैन बनाई और धागा लपेटा अपने क्रोशियो में, फिर एक दो तीन ये फोर्थ वाली चैन में क्रोशियो को डालेंगे इस तरह से, और एक ये डबल क्रोशे इस तरह से करेंगे, तो ये सेवन चैन की तरह ही इसका बन गया। अब ये देखिए ये इस तरह से बनेगा हमारा पैटर्न, और देखिए इस तरह से बना राउंड सेवन के लिए। देखिए अब एक दो तीन चार चैन बनाई, फिर एक दो तीन और चैन बनाई, दो बार धागा लपेटा क्रोशियो में, क्योंकि हम इस वाले पैटर्न में ट्रिपल क्रोशियो पे काम कर रहे हैं, दो बार लपेटा और ये जो ये हमने चैन बनाई थी इनमें क्रोशियो को डालेंगे। अब एक ट्रिपल क्रोशियो बनाएंगे दो बार, और ये तीन बार निकाला, दो बार लपेटेंगे, फिर से एक दो
और ये तीन ट्रिपल क्रोशे बनाए इस तरह, फिर एक दो तीन चैन बनाई, फिर से दो बार लपेटेंगे क्रोशियो को और इसी वाली सेम जगह पे डालेंगे एक ट्रिपल क्रोशे, दो और ये तीन ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे इस तरह, फिर एक दो तीन चैन बनाई। देखिए तीन चैन बनाने के बाद फिर नेक्स्ट वाली चैन में तीन ट्रिपल क्रोशे के बाद नेक्स्ट चैन में सेम ऐसे ही बनाएंगे जो हमने चैने बनाई हैं, दो बार लपेटा, फिर तीन ट्रिपल क्रोशे, तीन तीन ट्रिपल क्रोशे, फिर एक दो तीन चैन, उसके बाद दो बार लपेटेंगे, फिर सेम जगह पे तीन ट्रिपल क्रोशे और बनाएंगे, एक दो तीन बार निकालेंगे। देखिए इस तरह से, फिर एक दो तीन चैन बनाई और फिर नेक्स्ट दो बार लपेटेंगे और नेक्स्ट जो चैन है तीन ट्रिपल क्रोशे के बाद इसमें फिर से हम तीन ट्रिपल क्रोशे, तीन चैन, तीन ट्रिपल क्रोशे इस तरह से बनाएंगे। देखिए ये देखिए इस तरह से बनेगा ये राउंड। अब इसको कंटिन्यू करेंगे, तीन ट्रिपल क्रोशे, तीन चैन है, तीन ट्रिपल क्रोशे, फिर इन वाली जो चैन में बनाई है हमने इनमें बनाएंगे एंड तक कंटिन्यू करते जाएंगे। देखिए इस तरह से बनेंगे। अब लास्ट में जो ये लास्ट वाला जो एक दो और ये तीन चैन बनाई, तीन बार लपेटा, दो बार लपेटा सॉरी, जो लास्ट वाला ये है इसमें देखिए एक तीन डबल ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे पहले तो, इस तरह, फिर तीन चैन, फिर देखिए दो बार लपेटा, फिर से हम इसमें तीन ट्रिपल क्रोशे बनाते हैं, लास्ट वाले खाने में। देखिए अब हमारे पास ये चैन है, हमने स्टार्टिंग में चार चैने प्लस तीन चैने बनाई थी, तो अब देखिए इसमें से हम दो डबल ट्रिपल क्रोशे बना लिए, इसमें से हम फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ, फर्स्ट एक दो तीन चार, फोर्थ वाली जो चैन है उसमें क्रोशियो को डालेंगे और स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरह से। ये देखिए तीन ट्रिपल क्रोशे हो गए, क्योंकि चार चैने पे एक ट्रिपल क्रोशे काउंट होती है, तो इस तरह से जॉइन हो गया राउंड सेवन, इस तरह से बना। अब देखिए इस तरह से, देखिए अब राउंड एट के लिए स्लिप स्टिच से जॉइन करने के बाद देखिए एक दो तीन चार चैन बनाई, लपेटा धागा और सेम इसी वाले में एक ट्रिपल क्रोशे, चार तीन चार, ये जो चैन है ये भी एक ट्रिपल क्रोशे काउंटूंगी, एक दो तीन चार, चार हमने ट्रिपल क्रोशे बनाए इसके अंदर, फिर एक और ये दो चैन बनाई, दो बार लपेटा। अब देखिए ये जो हमने ये बीच में ये चैने बनाई हुई हैं इस तरह से, इसमें क्रोशे तीन चैने, इसमें क्रोशियो को डालेंगे, फिर एक ट्रिपल क्रोशे और ये दो ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, दो ट्रिपल क्रोशे, फिर एक और ये दो चैन बनाएंगे, फिर इसी में दो ट्रिपल क्रोशे और बनाएंगे, एक और ये दो, इस तरह से देखिए इस तरह। और फिर हम दो चैन बनाएंगे, एक और ये दो, फिर से लपेटेंगे। अब देखिए ये जो हमारा ये वाला गैप है इसमें हम फिर से चार
ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हमने यहाँ बनाया है। एक, दो, चार ट्रिपल क्रोशिया बनाए, फिर दो चैन बनाई। अब देखिए ये जो हमारे तीन ट्रिपल क्रोशिया, तीन चैन और तीन ट्रिपल क्रोशिया, इनके बीच में जो फैन बना है इनके बीच में हम दो ट्रिपल क्रोशिया, दो चैन और दो ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से लपेटा, एक, जैसे हमने ये इसमें बनाया है, दो ट्रिपल क्रोशिया, दो चैन है, दो ट्रिपल क्रोशिया, देखिए एक और ये दो ट्रिपल क्रोशिया, फिर एक और ये दो चैन लपेटेंगे और इसी में एक और ये दो, इस तरह से बना, फिर दो चैन, फिर वापस से इस वाले बॉक्स में आ जाएंगे तो इसमें चार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से ये बनाएंगे अपना राउंड, ये बॉक्स में चार ट्रिपल क्रोशिया, दो चैन है, फिर ये जो हम इस वाले फैन वाली जगह में आ जाएंगे, तीन ट्रिपल क्रोशिया, तीन चैन और तीन ट्रिपल क्रोशिया वाली जगह में, इसमें दो ट्रिपल क्रोशिया, दो चैन है, दो ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस वाले बॉक्स में आ जाएंगे तो चार ट्रिपल क्रोशिया, फोर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट करते जाएंगे। देखिए इस तरह से बनेगा। अब इसके एंड में एक और ये दो चैन बनाई। अब इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वाली चैन में डालेंगे और स्लिप स्टिच से इसे जोड़ लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे इस तरह। अब देखिए ये इस तरह से ये राउंड बन गया। अब राउंड 9 के लिए, इस वाले राउंड में हम डबल क्रोशिया में काम करेंगे। एक, दो और ये तीन चैन बनाई और नेक्स्ट ये तीन चैन एक डबल क्रोशिया काउंट होंगे। एक बार लपेटा, नेक्स्ट वाली चैन में क्रोशियो को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन बनाई, एक ही बार लपेटेंगे, फिर नेक्स्ट वाली चैन में एक डबल क्रोशिया, जो ये हम चार डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाए थे उनके ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये इस तरह से बनेगा। फिर एक और ये दो चैन बनाई। अब देखिए ये जो दो ट्रिपल क्रोशिया, दो चैन एंड दो ट्रिपल क्रोशिया हैं, इनके बीच में काम करेंगे फैन के ऊपर फैन, इस तरह से। यहाँ पर भी हम एक डबल क्रोशिया और ये दो डबल क्रोशिया, फिर एक और ये दो चैने फैन के ऊपर फैन बनाएंगे और दो चैन बनाई, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक और डबल क्रोशिया, इस तरह से बनेगा। फिर एक चैन और दो चैन बनाई। देखिए जो ये चार चैने हैं, चार डबल क्रोशिया हैं, इनमें तो देखिए हम एक डबल क्रोशिया, जो ये चार चैन एक साथ, चार ट्रिपल क्रोशिया एक साथ बनाए हैं, जो चार चैन हैं इनके ऊपर, और ये दो डबल क्रोशिया, उनके ऊपर दो डबल क्रोशिया प्लस एक चैन, फिर एक डबल क्रोशिया थर्ड वाली चैन में और फोर्थ वाली चैन में भी एक डबल क्रोशिया, इस तरह से बनाएंगे। देखिए फिर एक और ये दो चैन बनाई। अब देखिए दो चैने बनाई, फिर ये जो तीन डबल क्रोशिया, दो चैने और तीन डबल क्रोशिया, इन वाले इसमें डालेंगे, दो चैनों में एक डबल क्रोशिया, सेम इसमें एक और डबल क्रोशिया, फिर एक और दो चैन, सॉरी, और इसमें दो डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, फिर एक और ये दो चैन, इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से राउंड कंप्लीट करेंगे। चार डबल क्रोशिया के ऊपर, चार ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर दो डबल क्रोशिया, एक चैन, दो डबल क्रोशिया, इस तरह से, फिर इनके ऊपर ऐसे दो डबल क्रोशिया, दो चैन, दो डबल क्रोशिया, इस तरह से बनाते जाएंगे। देखिए इस तरह से बना, बहुत ही इजी पैटर्न है ये। अब देखिए लास्ट में, राउंड 9 के एंड में, ये जो हमने स्टार्टिंग में तीन चैन बनाई थी, एक, दो, तीन, उसमें थर्ड वाली चैन में क्रोशियो को डालेंगे और स्लिप स्टिच से इसे जोड़ लेंगे, इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे इसे। अब देखिए
हम इस नेक्स्ट 10th राउंड में भी डबल क्रोशे पे काम करेंगे, जैसे हमने स्टार्टिंग में ट्रिपल में क्या किया था। इसमें हम 9th वाले में भी हमने डबल क्रोशे में काम किया, इसमें भी हम डबल क्रोशे में काम करेंगे 10th राउंड में। तीन चैन बनाई, फिर अब ये देखिए जो चार डबल क्रोशे हैं उनके ऊपर डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। ये तीन चैनें भी एक डबल क्रोशे काउंट होंगी। हमने इसके दो डबल क्रोशे बनाए, फिर एक चैन बनाई थी, यहाँ पर हम एक दो और ये तीन चैन बनाएंगे, फिर डबल क्रोशे के ऊपर फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे, एक और ये दो, इस तरह से बनाएंगे। फिर उसके बाद एक और ये दो चैन बनाई, ये जो ये फैन बनाए हैं दो डबल क्रोशे, दो डबल क्रोशे, दो चैन है दो डबल क्रोशे, इनमें जो ये दो चैनों के बीच में क्रोशे को डालेंगे इस फैन में, एक डबल क्रोशे, सेम बनाएंगे दो डबल क्रोशे, फिर दो चैन है एक और ये दो चैन, फिर दो डबल क्रोशे बनाएंगे, एक और ये दो, दो डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से देखिए। फिर हम एक और ये दो चैन बनाई, फिर ये चार डबल क्रोशे वाली जगह आ गई, तो फर्स्ट डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बनाएंगे, फर्स्ट चैन के ऊपर एक, नेक्स्ट वाली चैन के ऊपर भी एक डबल क्रोशे। अब देखिए जो हमने दो डबल क्रोशे के बाद एक चैन बनाई थी, यहाँ पर हम एक दो तीन चैन बनाएंगे और फिर नेक्स्ट डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर इसके नेक्स्ट में डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बनाएंगे, इस तरह से बनेगा। और ये देखिए इनके ऊपर दो डबल क्रोशे, इस तरह से दो डबल क्रोशे, दो चैन है दो डबल क्रोशे बनाते जाएंगे, तो ये राउंड इस तरह से बनाएंगे। देखिए हम यहाँ पर जो है ये दो दो चैनों का गैप देंगे, इसमें दो चैन है, इसमें दो चैन है, बस जब हम ये चार, ये जो दो डबल क्रोशे तीन चैन है, यहाँ पर तीन चैन बनाएंगे, फिर दो डबल क्रोशे, बाकी इधर पे सब में दो दो चैन बनाएंगे, और ये बीच में दो डबल क्रोशे के बीच में तीन चैन बनाएंगे इस वाली जगह पे। देखिए इस तरह से राउंड बना। अब एंड में फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली चैन में क्रोशे को डालेंगे और स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे इस तरह से राउंड 10 का एंड में। अब देखिए 11 के लिए इस राउंड में भी हम डबल क्रोशे में काम करेंगे, तीन चैन बनाई, अब नेक्स्ट वाली चैन में एक डबल क्रोशे बनाया इस तरह, फिर एक दो और ये तीन चैन बनाई। अब ये तीन चैनें बनाई थी ना, दो डबल क्रोशे, तीन चैनें प्लस दो डबल क्रोशे, इस वाले बॉक्स में क्रोशियों को डालेंगे इस तरह, एक सिंगल क्रोशे करा, फिर एक दो तीन चैन बनाई, अब नेक्स्ट एक और ये दो चैन बनाएंगे, एक दो तीन चैन बनाई इस तरह से। अब देखिए नेक्स्ट वाली चैन में एक डबल क्रोशे, उससे नेक्स्ट वाली में एक डबल क्रोशे, मतलब इस तरह से बनाएंगे, फिर एक और ये दो चैन बनाई। अब ये देखिए जो फैन बनाए हमने, दो डबल क्रोशे, दो चैन है डबल क्रोशे, इनके बीच में फिर से हम सेम ऐसे ही बनाएंगे, एक और ये दो डबल क्रोशे, और फिर एक और ये दो चैन, फिर इसी में दो डबल क्रोशे और, इस तरह से देखिए। अब एक दो चैन बनाएंगे, दो चैने बनाई, फिर ये जो डबल क्रोशे वाली जगह में है, दो डबल क्रोशे तीन चैने दो डबल क्रोशे, तो फर्स्ट डबल क्रोशे के ऊपर हम फर्स्ट डबल क्रोशे बनाएंगे फर्स्ट वाली चैन में, और नेक्स्ट वाले में भी हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह। फिर अब देखिए एक दो तीन चैन बनाई, और ये जो तीन चैन वाली जगह है इसमें एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह, फिर एक दो और ये तीन चैने बनाई, और फिर ये डबल क्रोशे के ऊपर जो चैन है उसमें एक डबल क्रोशे, नेक्स्ट में भी एक डबल क्रोशे, इस तरह से बनाएंगे। देखिए अब ये फैन के ऊपर फैन बनाएंगे, मतलब दो डबल क्रोशे, दो चैन दो डबल क्रोशे, देखिए इस तरह एक दो डबल क्रोशे, दो चैन, दो डबल क्रोशे। अब दो चैने बनाएंगे, एक और ये दो। अब ये देखिए फिर से हम ये
ये दो डबल क्रोशे, तीन चैन दो डबल क्रोशे वाली स्पेस में आ गए, तो यहाँ पर हम डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे करेंगे। फिर एक दो तीन, जब भी हम इसमें आएंगे तो हम यहाँ पे तीन चैने बनाएंगे, फिर ये जो तीन चैनों के ऊपर सिंगल क्रोशे कर लेंगे, सिंगल क्रोशे, फिर यहाँ पे तीन चैने बनाएंगे, फिर से डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे हम। इस तरह से बनेगा। लास्ट में देखिए, ये राउंड 11 था, इसके एंड में जो हमने तीन चैने बनाई हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें थर्ड वाली चैन में स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे इस तरह से। अब राउंड 12 के लिए देखिए, इसमें भी हम डबल क्रोशे में ही काम करेंगे, दो और ये तीन चैन बनाई राउंड 12 के लिए। नेक्स्ट वाली जो चैन है उसमें एक डबल क्रोशे बनाया इस तरह से। अब देखिए, हम यहाँ पे जो तीन चैने बनाई, एक सिंगल क्रोशे, एक तीन चैने बनाई है, यहाँ पे हम जाली बनाएंगे जैसे हमने बनाई है। देखिए, एक दो तीन चैन बनाई, फिर जो तीन चैने हैं इसके बीच में क्रोशे को डालेंगे और सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरह से। फिर एक दो और ये तीन चैन बनाई, फिर जो नेक्स्ट तीन चैने हैं इसमें सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरह से, ये जाली बनी। देखिए, फिर अब देखिए इस तरह से बना। फिर अब एक दो और ये तीन चैने बनाएंगे, और फिर ये जो डबल क्रोशे है उसके ऊपर डबल क्रोशे, नेक्स्ट वाले डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे। देखिए इस तरह से ये पैटर्न बनेगा। फिर जब हम ये जाली बनाएंगे, तीन तीन चैने बनाएंगे यहाँ पे, और उसके अलावा हम दो चैने ही बनाएंगे। अब देखिए, जो फैन है इसके ऊपर फैन बनाएंगे, दो चैनों के बीच में दो डबल क्रोशे, फिर एक और ये दो चैने, फिर सेम दो डबल क्रोशे और एक और ये दो, फिर दो चैने। अब देखिए, फिर से हम ये तीन चैने सिंगल क्रोशे, फिर तीन चैन वाली जगह पे आ गए जाली वाली जगह पे, उससे पहले जो दो डबल क्रोशे हैं उनके ऊपर दो डबल क्रोशे बनाएंगे, एक इस तरह से और ये दो। फिर देखिए, जाली बनाएंगे, एक दो तीन, फिर जो तीन चैने हैं इसके अंदर सिंगल क्रोशे, फिर एक दो तीन चैने, फिर जो तीन चैने हैं इसमें क्रोशे कैसे डालेंगे, फिर से सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर एक दो तीन चैने हैं। अब ये जो दो डबल क्रोशे हैं, दो डबल क्रोशे में एक और ये दो डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। अब फिर देखिए, एक दो चैने बनाएंगे इसके अलावा, अभी जो जाली है, सॉरी ये फैन है, दो डबल क्रोशे, एक और ये दो डबल क्रोशे, दो चैने, दो डबल क्रोशे, फिर से एक और ये दो चैने। तो इस तरह से अपना पैटर्न बनाते जाएंगे। इस तरह से देखिए, अब ये जो राउंड 12 है इसके एंड में देखिए, ये जो तीन चैने बनाई थी उसमें से थर्ड वाली चैन में डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे, स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे इस तरह से। अब तीन चैने बनाएंगे राउंड 13 के लिए, दो तीन इस तरह से बनेगा। देखिए, फिर डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे, बहुत इजी पैटर्न है ये, इसमें भी डबल क्रोशे बनाएंगे। अभी देखिए, जो जाली हम बना रहे हैं तीन तीन चैनों की, अब इसमें एक और जाली बनाएंगे, तीन चैन, फिर ये जो तीन चैन वाला ये जो लूप है इसमें डालेंगे और सिंगल क्रोशे करेंगे, तीन चैन फिर से बनाई और ये तीन चैन वाला जो लूप है नेक्स्ट उसमें डालेंगे, फिर से तीन चैन बनाएंगे। अब ये देखिए, ये वाला जो लूप है इसमें डालेंगे इस तरह से सिंगल क्रोशे, फिर तीन चैन। अब ये डबल क्रोशे है इसके ऊपर डबल क्रोशे, ये राउंड भी हम डबल क्रोशे में ही बनाएंगे इस तरह से। फिर एक और ये दो चैने बनाएंगे,
अब देखिए जो फैन है इसके ऊपर हम इस बार ये जो दो चैने हैं इसमें एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह, फिर एक ये दो चैन बनाई, उसके बाद फिर से ये देखिए दो चैन बनाई, ये जो फिर जाली वाला आ गया, दो डबल क्रोशे के ऊपर पहले दो डबल क्रोशे बनाएंगे और फिर से एक और ये दो डबल क्रोशे, फिर ये जाली बनाएंगे तीन चैनों की, इस तरह से जाली बनाई, फिर दो चैने बनाएंगे देखिए, और फिर ये जो फैन है इसके अंदर जो दो चैने सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर दो चैन बनाएंगे, फिर जाली वाले जगह के डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे, तो बहुत ही इजी राउंड है ये देखिए। इस तरह से इसको हम एंड तक बनाते जाएंगे, देखिए इस तरह से राउंड बनेगा इस तरह, ये जाली बनी। अब राउंड 13 के एंड में ये जो तीन चैने बनाई हैं उसमें थर्ड वाली चैन में क्रोशे को डालेंगे और स्लिप स्टिच से इसे जोड़ लेंगे इस तरह से। अब राउंड 14 के लिए एक चैन, दो और ये तीन चैन बनाई, नेक्स्ट वाले चैन में डबल क्रोशे, ये भी डबल क्रोशे वाले राउंड है। अब देखिए ये जाली वाली जगह आ गई, तो जाली हम बनाएंगे एक दो तीन चैने और ये जो तीन चैन वाला लूप है इसमें डालेंगे, सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरह से, फिर एक दो तीन, फिर जो हमें तीन तीन चैन वाली जगह मिलेगी लूप मिलेंगे उसमें हम बनाते जाएंगे जाली, तीन चैने बनाई, फिर ये नेक्स्ट लूप में डाला तीन चैन वाला इस तरह से, फिर एक दो तीन चैने बनाई और ये एक और जो तीन चैन वाला लूप है ये इसमें डालेंगे, फिर सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरह, फिर एक दो तीन चैने, ये देखिए इस तरह से जाली बनी, फिर डबल तीन चैने बनाई, फिर डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे इस तरह से बनेगी देखिए। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशे बनाया था, अपने क्रोशे में धागे को लपेटेंगे और ये जो सिंगल क्रोशे को स्किप करेंगे देखिए, फिर ये जो दो डबल क्रोशे हैं इनके ऊपर फर्स्ट डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे बनाएंगे और सेकंड डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से देखिए, ये ऐसे बनेगा देखिए, इस तरह से शेप आएगी इसकी। अब फिर जाली वाली जगह में आ गए, जाली के ऊपर हम जाली बनाते जाएंगे, तो इस तरह से ये राउंड बनाते जाएंगे। डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे करेंगे इस तरह। अब देखिए ये जो सिंगल क्रोशे है इसको स्किप करेंगे, धागा लपेटेंगे क्रोशे के ऊपर और ये जो दो डबल क्रोशे हैं ये वाले इसमें क्रोशे को डालेंगे और एक डबल क्रोशे और ये दो डबल क्रोशे, इसके बाद ये जाली वाली जगह है, फिर तीन चैन बनाएंगे, फिर से तीन चैनों के ऊपर एक सिंगल क्रोशे, इस तरह जाली वाली जगह पे जाली बनाएंगे। अब देखिए इस तरह से ये राउंड रिपीट करेंगे देखिए, ये ऐसे बनते जाएंगे, तो इस तरह से ये बनाते जाएंगे एंड तक राउंड 14। देखिए
देखिए इस तरह से बनेगा ये राउंड। अब इसके लास्ट में देखिए इस तरह से जो हमने तीन चैन बनाई थी इसमें से थर्ड वाली, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली चैन में क्रोशियो को डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। देखिए ये इस तरह से हमारा पैटर्न बनेगा। अब राउंड 15 के लिए, नेक्स्ट राउंड के लिए, अब देखिए नेक्स्ट वाली चैन में क्रोशियो को डालेंगे देखिए इस तरह से और स्लिप स्टिच करेंगे, और फिर ये जो ये तीन चैन वाला लूप है इसमें डालेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे, और यहाँ पे हम फिर एक दो तीन चैन बनाएंगे। ये हम जाली वाली जगह पे पहुँच गए, फिर से इसमें जाली बनाएंगे, ये तीन तीन चैनों के बीच में सिंगल क्रोशे करेंगे। देखिए फिर तीन चैन आए इसमें सिंगल क्रोशे, फिर एक दो तीन चैन बनाई, फिर इसमें नेक्स्ट वाली में सिंगल क्रोशे, एक दो तीन चैन बनाई, फिर से ये जो जाली है लास्ट वाली तीन चैन वाली इसमें सिंगल क्रोशे करेंगे। अब जब हम लास्ट वाली जाली तीन चैन वाली जगह पे आएंगे वहाँ पे सिंगल क्रोशे करेंगे, तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ चैन बनाएंगे, नाइन चैन। अब देखिए नाइन चैन बनाने के बाद अपना ये जो दो डबल क्रोशे हैं उसके बाद दो डबल क्रोशे हैं इन दोनों को स्किप करेंगे। जो ये वाली जाली है फर्स्ट वाली तीन चैन वाली, जो तीन चैन वाली जाली है इसमें क्रोशियों को डालेंगे, सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से बनेगा। फिर ये जो जाली है अब जाली के ऊपर जाली बनाएंगे, एक दो तीन चैन, फिर ये जो तीन चैन वाले में सिंगल क्रोशे, एक दो तीन, नेक्स्ट में अब देखिए जो लास्ट वाली जाली में आ गए सिंगल क्रोशे किया जो तीन चैन वाली, फिर यहाँ से हम ये वाला जो जगह है यहाँ से हम एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ चैन बनाई। और देखिए अब ये जो ये दो डबल क्रोशे और दो डबल क्रोशे, ये जो फर्स्ट जाली है तीन चैन हैं इसमें डालेंगे और सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर से ये एक दो तीन ऐसे जाली के ऊपर जाली बनाएंगे, तो इस तरह से ये वाला राउंड बनाएंगे। देखिए इस तरह से बनेगा ऐसे, तो इसे कंप्लीट करेंगे एंड तक। देखिए इस तरह से बनाए राउंड ऐसे। अब लास्ट में देखिए यहाँ से फिर से यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद सिंगल क्रोशे से एक इस तरह से, अब देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात चैन बनाई। अब यहाँ से नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होगा। सात चैन बनाने के बाद देखिए एक दो तीन चार पाँच, फिफ्थ वाली चैन में यहाँ से एक दो तीन चार पाँच, फिफ्थ वाली चैन में क्रोशियो को डालेंगे और एक डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह ऐसे बना। फिर से सात चैन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात चैन बनाई, और फिर से देखिए जो फर्स्ट चैन है यहाँ पे ये वाली, ये तीन चैन है ना जो यहाँ पे ये वाली चैन और जो फर्स्ट चैन है जाली वाली, फर्स्ट जो ये लूप है तीन चैन वाला इसमें क्रोशियो को डालेंगे, सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरह से, फिर ये जाली के ऊपर जाली बनाएंगे। देखिए इस तरह से एक दो तीन चैन बनाई, नेक्स्ट वाली जाली में एक सिंगल क्रोशे तीन चैनों में, एक दो तीन, फिर जो नेक्स्ट जाली है उसमें क्रोशियो को डालेंगे, फिर एक सिंगल क्रोशे। अभी देखिए ये जो ये लास्ट वाली जाली है इसमें सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब देखिए यहाँ से हमारा ये वाला जो नाइन चैन वाला स्टार्ट हो गया यहाँ से, तो फिर से हम जैसे हमने यहाँ किया था इसमें देखिए सेवन चैन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात चैन बनाई, और फिर ये जो पांच चैन है यहाँ से एक दो तीन चार पाँच, पांचवी चैन में क्रोशियो को डालेंगे और
एक डबल क्रोशे से जोड़ लेंगे इस तरह से, डबल क्रोशे बनाएंगे यहाँ से, फिर सेवन चेन यहाँ से, पाँच छः और ये सात, और फिर ये देखिए इसके बाद ये जो फर्स्ट जाली आएगी तीन चैन वाली, इसमें डालेंगे और सिंगल क्रोशे से जोड़ लेंगे। तो इस तरह से जाली के ऊपर जाली बनाएंगे और लास्ट में हम ऐसे करेंगे, देखिए इस तरह से बनेगा। तो ये राउंड इस तरह से बनाते जाएंगे, ये देखिए इस तरह से बना ये वाला राउंड। अब लास्ट में ये हमने सेवन चैन है, एक डबल क्रोशे फिर सेवन चैन बनाई थी, तो अब देखिए लास्ट में क्या करेंगे हम, ये वाले जाली में डालेंगे सिंगल क्रोशे करेंगे, ये देखिए इस तरह से हुआ। अब हम इस वाली जगह, अब हम ये वाला बनाएंगे, तो इसके लिए हम नाइन चैन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ चैन बनाई। अब देखिए ये जो डबल क्रोशे है, ये जो हमने डबल क्रोशे किया था इसके ऊपर, डबल क्रोशे के ऊपर वाली चैन में क्रोशे को डालेंगे और एक डबल क्रोशे इसके ऊपर करेंगे इस तरह से, ऐसे फिर से नाइन चैन बनाएंगे, चार पाँच नाइन चैन बनाई। अब देखिए नाइन चैन बनाने के बाद जो हम ये जो तीन चैन वाली जाली है, इसके बाद फर्स्ट उसमें बीच में क्रोशियो को डालेंगे और सिंगल क्रोशे करेंगे जैसे हम करते हैं, इस तरह से बनेगा, देखिए इस तरह से बनेगा। फिर ये जाली के ऊपर जाली बनाएंगे, अब ये देखिए एक दो तीन जाली है, तीन तीन चैन वाली इसके ऊपर बनाएंगे। अब इसके बाद हमारे को, हमारे पास ये आया, इसके लिए हम फिर से नाइन चैन बनाएंगे, और देखिए जो डबल क्रोशे है इस डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से, फिर से नाइन चैन बनाई, अब ये जो ये तीन चैने वाली है जो फर्स्ट जाली है उसके ऊपर सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरह, इस तरह से ये राउंड बनाते जाएंगे, जाली के ऊपर ये इसके ऊपर बनाएंगे, फिर इसके ऊपर, फिर यहाँ नाइन चेन, फिर डबल क्रोशे, फिर नाइन चेन, इस तरह से ये बनाते जाएंगे एंड तक ये राउंड। बहुत इजी है। अब देखिए यहाँ पे लास्ट राउंड में हमने यहाँ पे नाइन चैन बनाई थी, इस वाले राउंड में हम एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और बारह चैन बनाएंगे। बारह चैन बनाने के बाद जो डबल क्रोशे के ऊपर ऐसे एक डबल क्रोशे करेंगे इस तरह, फिर से बारह चैन बनाएंगे, नौ दस ग्यारह और बारह चैन बनाई फिर से। अब देखिए ये जो जाली है हमारी तीन चैन वाली, इसके बाद इसमें कनेक्ट करेंगे फर्स्ट वाली जाली है जो तीन चैन वाली, सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से, फिर नेक्स्ट वाली जाली है इसमें सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब इसमें एक ही जाली रह गई है, अब इसके बाद देखिए ऐसे बनेगा ये, फिर से 12 चैन बनाएंगे, फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशे से कनेक्ट करेंगे, फिर 12 चैन है, इस तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। बहुत इजी है, देखिए इस तरह से बना। अब हमारे पास इस वाले राउंड में देखिए ये एक जाली है सिर्फ, तीन चैनों की एक एक जाली है। तो अब यहाँ पे पहुँचने के बाद देखिए नेक्स्ट हम यहाँ से, ये हमने 12 चैने बनाए थे इस वाले राउंड में लास्ट वाले में, तो इस वाले राउंड में हम तीन चार पाँच छ छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह
14 चैन बनाएंगे, 14। आप देखिए फिर से डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे करेंगे, कनेक्ट करेंगे इसको यहाँ से इस तरह से, और फिर 14 चैन बनाएंगे। तेरह, 14 चैन बनाई। अब देखिए अब हमारे पास सिर्फ एक ही जाली है, 3 चैन वाली। अब इसमें फिर से एक सिंगल क्रोशे करेंगे, अब फिर 14 चैन बनाएंगे। अब देखिए ये इस तरह से बना, इस तरह से ये कनेक्ट किया हमने। अब ये देखिए इसके ऊपर अब सिंगल क्रोशे के ऊपर, सॉरी डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इस तरह से फिर से 14 चैन बनाएंगे, और ये जो ये जाली के ऊपर जाली बना के फिर इस तरह से करेंगे। देखिए ये वाला राउंड इस तरह से बनेगा, ये लास्ट का राउंड है, बहुत ही ईजी है, तो बनाते हैं इसको। ये लास्ट राउंड है, ये इस तरह से बना। अब एंड में देखिए हम इसमें आए, ये सिंगल क्रोशिया करने के बाद ये जो जाली है 3 चैन वाली, इसी में क्रोशिया को डालेंगे, एक स्लिप स्टिच करेंगे, और ये जो ये वाली जो सिंगल क्रोशिया वाली जगह है इसमें स्लिप स्टिच करेंगे, क्रोशिया को डालेंगे, इस तरह से जोड़ लिया और एक चैन बनाएंगे। अब अपनी थ्रेड को कट कर लेंगे इस तरह से, थोड़ी सी लंबी कट कीजिए इस तरह से। तो ये इस तरह से हमारा बनेगा। अब देखिए इसे सुई या क्रोशिया की हेल्प से हाइड कर लेंगे, इस तरह से ये राउंड बना। देखिए ये हमारा काफ़ी बड़ा जो है ये थालपोश या टेबल मैट बना है। तो ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इसमें सुई डालेंगे, और हमने थोड़ा सा लंबा कट किया था, लूप्स में डाल के हाइड कर लेंगे ताकि हमारा ये सिक्योर रहे, धागा निकले ना इस तरह से। और जो बचा हुआ थ्रेड है उसे कट कर लीजिए। तो इस तरह से ये पैटर्न बन गया। देखिए ये काफ़ी बड़ा जो हमारा टेबल मैट या थालपोश है, ये देखिए इस तरह से, और इसकी लेंथ जो है, इसकी जो लेंथ है टोटल ये 50 से थोड़ा बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसको ढंग से मेज़र करेंगे तो 50 सेंटीमीटर या 50 से थोड़ा सा ज़्यादा होगी, एक आध सेंटीमीटर। तो ये काफ़ी बड़ा जो टेबल मैट, देखिए ये टेबल मैट जो है ये काफ़ी बड़ा है, और बहुत इजी भी है, और काफ़ी सुंदर भी लगता है। और मैंने इसे स्टेप बाय स्टेप बताया है, और आप भी इसे ज़रूर बनाएं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।